घर से धुआं प्रेशर में आया। हम लोग अचानक किसी रेत पे गिर के खिड़की के पास गए, मारे थे तो उसकी खिड़की टूटा हुआ था, निकल गया, उसी से निकल गया। कुल मरीजों की संख्या 19 है, जिसमें 11 लोग जो है रेफर्ड किए गए हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है। सात जो है जले हुए, एक इंजरी है, तो हमें लग रहा है दूध गए हो या कुछ हो, किस तरह से आई है हमें नहीं मालूम, लेकिन यही है। अभी तक सर कुछ जानकारी हुई है कि कैसे क्या हादसा हुआ और ये हम लोग कंफर्म कैसे बता पाएंगे जब तक ये जांच का विषय है। पेंटी कार के बगल जहाँ खान पान है उसी के बगल वाला ये कुछ कहाँ से कैसे क्या हुआ है कुछ जांच का विषय है। जांच के फिलहाल आग बुझाई जा चुकी है और स्थिति नियंत्रित है। गाड़ी खड़ी है, कुछ को हटा करके फिर पुनः रवाना करने के लिए बताया गया द्वारा स्टेशन मास्टर द्वारा। ये जीआरपी टावर घटना फ्रेंड्स कॉलोनी के पास की लाने वाले के बताया अनुसार वैशाली एक्सप्रेस दिल्ली से बिहार जा रही थी, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद लगभग 19 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें से 11 लोगों को हालत देखते हुए रेफर कर दिया गया, बाकी अन्य पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें कितने लोग जले हुए थे और कितने जख्मी थे? 11 लोग जो थे उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी लोग जख्मी है जो भर्ती हुए हैं। जो रेफर किया है वो कहाँ रेफर किए? वो शेफी के लिए रेफर कर दिए गए हैं। जले हुए इसमें कितने यात्री पाए गए? जले हुए 7 लोग जले हुए, उसमें 1 लोग जो है वो एक्सीडेंटल इंजरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।